हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेंटोर जी क्लासेस में। मैं वीजे फिर आपके साथ जुड़ गया हूँ बजाने साइंस का डीजे। बच्चों, आज आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आज सीबीएसई क्लास 10th 2024 का बोर्ड एग्ज़ाम था साइंस का, और जितनी भी लाइव क्लास हमने पिछले दिनों में डिस्कस की या हमने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए, आई एम वेरी ग्लैड टू टेल यू कि उसी तरीके का सेम क्वेश्चन पेपर हमें एग्ज़ाम के अंदर मिला, और बच्चों के काफ़ी बढ़िया रेस्पॉन्स आ रहे हैं। उसी तरीके से मेरा पूरा विश्वास है कि जो हम ICSE के लिए कर रहे हैं उसमें भी आपको सेम क्वेश्चन और सेम अप्रोच मिलनी चाहिए, और आपके लिए एक बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी ये साबित होगा कि आप अगर लाइव सेशंस ले रहे हैं तो डेफिनेटली यू फील गुड आफ्टर अपियरिंग योर एग्ज़ाम। जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये लगेगा कि मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, और आप अच्छे तरीके से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो कल हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पर छोड़ा था, वहीं से इसको आगे स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, एंड दैट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। अब रजिस्टर्स नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ हो, लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो सबका पॉजिटिव एक साथ जुड़ रहा है और सबका नेगेटिव एक साथ जुड़ रहा है, तब उस कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब यहाँ पर बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सीरीज के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम, सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट बट करंट रिमेन सेम। और वहीं हम यहां बात करें इसकी, तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम बट करंट इज डिफरेंट। तो इसके अंदर करंट अलग अलग होता है, तो यहां पर सबका पोटेंशियल डिफरेंस R1 का ये V1 होगा, R2 का V2 और R3 का V3। सबका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, यहां पर सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, ठीक है जी। लेकिन जो करंट होगा वो करंट इसमें डिफरेंट होगा, यहाँ पर सेम होगा। यहाँ सभी के अंदर I करंट फ्लो करेगा, ठीक है जी। अगर हम इसको की को ऑन कर देते हैं, सर्किट को क्लोज करने के लिए हम यहाँ पर इसके अंदर डॉट दिखाएंगे। अगर ये दोनों ब्रैकेट के बीच में डॉट नहीं लग रहा है तो वो ओपन की है, और अगर डॉट लग रहा है तो वो क्लोज्ड की है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर देखिए इसी तरीके से I करंट, लेकिन यहाँ I जो है वो तीन पार्ट में बढ़ जाएगा, I1, I2, I3, और ये फिर मर्ज होकर पहुँच रहे हैं, वापस करंट I बना रहे हैं। तो इस तरीके से ये बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको दिमाग में रखना है। इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, करंट सेम है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है लेकिन करंट अलग अलग है। तो उसी बेसिस को, उसी पॉइंट को वैल्यू देते हुए यहाँ पर हमारा होगा वी इक्वल टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस को कह दिया हमने वी, तो वी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और यहाँ पर टोटल करंट को हमने कह दिया I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है जी। अब यहाँ पर आप जानते ही हैं कि V इक्वल टू होता है IR, और ये RS कह दिया हमने, S का मतलब सीरीज, तो ये हो जाएगा आपका IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, तो इस तरीके से। और यहाँ पर इसी तरीके से I इक्वल टू V अपॉन R,
हमने आर को यहाँ पैरेलल को बताने के लिए, इंडिकेट करने के लिए, पैरेलल के लिए पी ले लिया, तो दैट विल बी वी अपॉन आर वन प्लस वी अपॉन आर टू प्लस वी अपॉन आर थ्री। ठीक है जी, तो यहाँ पर वोल्टेज सेम है और यहाँ पर करंट सेम है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमने आई कॉमन ले लिया, तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, और यहाँ पर हमने वी कॉमन ले लिया, वी कॉमन लेने के बाद आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, यहाँ वी से वी कैंसिल हो गया, यहाँ आई से आई कैंसिल हो गया। नेक्स्ट वी हैव द रिजल्ट आर एस इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। जितने भी आप सीरीज कॉम्बिनेशन में रजिस्टर्स लेंगे उन सब का जोड़ इस तरीके से आएगा और यहाँ पर ये आ जाएगा वन अपॉन आर पी इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। तो ये इस तरीके से आपके फॉर्मूले आते हैं। अब ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड में आपका डेरिवेशन भी आ सकता है, ये डिराइव करने के लिए भी आ सकता है और इसके ऊपर पोटेंशियल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अब पोटेंशियल क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं देखिए जी। अब ये आपने अभी रिलेशनशिप पढ़ ली, अब आप देखिए, सपोज़ कीजिए आपको क्वेश्चन ये दे दिया गया कि देयर आर You are given three resistors, of 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm respectively. Find out their if connected in series and second in parallel. कि ये अगर सीरीज में कनेक्टेड हैं तो इनके बीच का पोटेंशियल आपका इफेक्टिव या टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ये किन इन तीन नाम से आपसे पूछा जा सकता है, मे बी इफेक्टिव, मे बी टोटल और मे बी इक्विवेलेंट। बात एक ही है कि आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। अभी आपने पढ़ा, अब हम बात करते हैं सीरीज में। तो सीरीज में हमने फॉर्मूला पढ़ा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, इसी तरीके से पैरेलल के लिए आर वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। सो सिंपली वी हैव टू पुट द वैल्यू आर एस इक्वल टू टू प्लस थ्री प्लस सिक्स, तो दैट इज 11 ओम। यहाँ पर वन अपॉन आर पी इक्वल टू वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन सिक्स, सिक्स एलसीएम आ गया आपका, टू थ्री जा थ्री टू जा सिक्स वन जा सिक्स, वन अपॉन आर पी इक्वल टू दैट विल बी सिक्स अपॉन सिक्स, सो आर पी इक्वल टू वन ओम। अब यहाँ पर बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको अपने दिमाग में रखना है, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मस्ट बी लार्जेस्ट देन द वैल्यू ऑफ मस्ट बी ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट रजिस्टर। जितने भी आपको रजिस्टर्स दिए गए हैं उनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू वाला रजिस्टर होगा उससे भी ज्यादा वैल्यू आएगी। अब देखिए आप ध्यान से,
आपके पास सबसे बड़ी वैल्यू का रजिस्टर क्या है? 6। और आपकी वैल्यू क्या आ रही है? उससे भी ज्यादा आ रही है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब वो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर है। दूसरी बात आती है ये कि इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हैज वैल्यू लेसर देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ रजिस्टर, तो इसका मतलब वो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब जैसे कि देखिए, आप यहाँ पर आपकी वैल्यू आई है 1 ओम और सबसे छोटी रजिस्टर की वैल्यू क्या है? 2 ओम। तो जो सबसे छोटा है उससे भी छोटी वैल्यू आपकी रजिस्टर की आ रही है। समझ में आ रही है जी बात? तो इसको हम क्या कहेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसी क्वेश्चन को अब देखो, हम कहानी में ट्विस्ट करके समझते हैं इसी सेम क्वेश्चन को। ये तो था इसका पहला लेवल, अब इसका दूसरा लेवल देखिए। आपको क्वेश्चन दिया गया कि हाउ कैन यू कंबाइन फॉलोइंग रजिस्टर्स ऑफ वैल्यू 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम टू ऑब्टेन इक्विवेलेंट रजिस्टेंस एज 1 ओम एंड 11 ओम। ठीक है जी, क्वेश्चन आपको ये दिया गया है कि इन तीन रजिस्टर्स को आप कैसे कंबाइन करेंगे कि हमें इक्विवेलेंट रजिस्टेंस मिले 1 ओम या हमें मिले 11 ओम। तो अब आपको जो भी कॉन्सेप्ट बताया था वो लगाना है। देखिए, अब पहले के अंदर है 1 ओम। 1 ओम का मतलब ये हो गया कि इक्विवेलेंट रजिस्टेंस की वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू ये लेस हो गई लीस्ट वैल्यू ऑफ रजिस्टर से। तो अभी मैंने इसके लिए आपको बताया था दैट मस्ट बी पैरेलल। तो इसका मतलब क्या होगा कि 1/RP इक्वल टू 1/R1 यानी कि 2 + 1/3 + 1/6 दैट विल बी 6/6। आरपी आ गया आपका 1। तो इसका मतलब 1 ओम लाने के लिए हमें इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर रखना होगा। ठीक है जी, इसी तरीके से 11 ओम क्या हुआ यहां पर? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रजिस्टर। अब देखिए, सबसे बड़ा रजिस्टर 6 ओम है, उससे भी ज्यादा वैल्यू आ रही है इसकी 11 ओम। तो दैट्स व्हाई दैट इंडिकेट्स टुवर्ड्स सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है जी, और इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? RS इक्वल टू 2 + 3 + तो सिंपल चीज नहीं आती आजकल, ये क्वेश्चन है, इसको लेवल 2 क्वेश्चन बोलते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा कॉमन है, हम और भी, और इसमें पेज डेवलप करके आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ये तैयार रहना है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को डील करना है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब एक और क्वेश्चन देखिए, सपोज कीजिए आपको दे दिया कि 1000 रजिस्टर्स ऑफ 1 ओम आर कनेक्टेड इन विच कॉम्बिनेशन
टू ऑब्टेन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एज फर्स्ट 1000 ओम एंड सेकेंड 0.00 1 ओम जस्टिफाई। ठीक है जी, ये आपको क्वेश्चन दे दिया। अब ये फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, लेवल 2 क्वेश्चन है और इसकी बड़ी जबरदस्त चांसेस हैं कि ये आपसे एग्जाम में पूछा जाए। देखिए भाई, अब यहां पर अगेन जब एक रजिस्टर की वैल्यू से भी ज्यादा है तो इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है सीरीज के लिए, और जब जो वैल्यू आपको दे रखी है उससे भी कम आए तो वो इंडिकेट कर रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। अब यहां सीरीज के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे RS इक्वल टू N इंटू आर, और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए यूज करेंगे RP इक्वल टू R अपॉन N, जहां पर वेयर RS तो हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज, RP हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, और N हो गया नंबर ऑफ रजिस्टर्स, और आपका R हो गया वैल्यू ऑफ वन रजिस्टर। तब इसके बेसिस पर RS इक्वल टू नंबर ऑफ रजिस्टर्स हमें दे रखे हैं 1000, वैल्यू ऑफ वन रजिस्टर दे रखी है हमें 1 ओम, सो दैट विल बी 1000 ओम। इसी तरीके से यहां पर RP इक्वल टू R हमारा है 1000, तो इस तरीके से आपने इसको जस्टिफाई कर दिया और किस तरीके के कॉम्बिनेशन में है इसका आंसर भी हमने दे दिया। तो ये 2 नंबर का बड़ा पोटेंशियल क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। समझ में आ रही है जी बात? नेक्स्ट देखिए जी, अनादर क्वेश्चन। 4 रजिस्टर्स ऑफ वैल्यू 2 ओम इक्वल इन लेंथ एंड area of cross section are connected to form a square. Find out the equivalent resistance A between adjacent sides or B between diagonal points। अब ये एक और क्वेश्चन है जो बोर्ड में कई बार आ चुका है इस तरीके का क्वेश्चन। अब हम एक ही बात करते हैं, एडजेसेंट साइड। देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन कह रहा है, हमने एक स्क्वायर बना लिया ए बी सी डी और सारे के सारे रजिस्टर्स कितने हैं 2 ओम के हैं। ठीक है जी, अब इसमें हमने क्या किया,
देखिए जी, सबसे पहले हमें एडजेसेंट साइड्स पता होनी चाहिए, ये होती हैं ए बी या बी सी, ये एडजेसेंट साइड्स कहलाएंगी। इसी तरीके से दूसरा कॉम्बिनेशन हो जाएगा बी सी सी डी, तीसरा कॉम्बिनेशन हो जाएगा सी डी ए डी, चौथा कॉम्बिनेशन हो जाएगा ए डी ए बी। समझ में आ रही है जी बात? ए डी ए बी एक दूसरे के साथ वाली, एडजेसेंट मतलब साथ वाली। अब आप बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, इसमें क्या करना है। अब जैसे हम ए बी के बेसिस पर ले रहे हैं, ये एडजेसेंट पॉइंट्स हो गए साइड्स के, तो हम इनके बीच में निकालना है। हम क्या करेंगे, इन दोनों को फैला लेंगे। ये मानकर चलिए कि हमने यहाँ इसको से इसको हटा दिया और इसको इस तरीके से सीधा कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये तीन रजिस्टर तो एक साथ आ जाएंगे, ये वन ये टू ये थ्री तीनों, और उसके साथ ये एक बचा हुआ रजिस्टर पैरेलल में आ जाएगा, ठीक है जी। और इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे, टू ओम टू ओम टू ओम टू ओम, एंड दैट विल बी टू टू टू, सिक्स हो गया ये तो सीरीज में, ठीक है जी। और ये एक दूसरे में पैरेलल में हो गए, पहले तो सीरीज में निकाल लिया हमने, टू प्लस टू प्लस टू सिक्स ओम, और फिर सिक्स ओम एंड टू ओम ये पैरेलल में हो गए, तो इसका मतलब वन अपॉन आर पी इक्वल टू वन अपॉन सिक्स प्लस वन अपॉन टू, सिक्स एल सी एम आ गया, वन प्लस थ्री, सो दैट मीन्स आर पी इक्वल टू सिक्स अपॉन फोर, दैट मीन्स 1.5 ओम, ठीक है जी। अब बात करते हैं बिटवीन डायगोनल्स की, ठीक है जी। अब किसकी बात करते हैं, बिटवीन डायगोनल्स की। अब डायगोनल्स में आप देखेंगे तो डायगोनल इसका या तो ये हो गया ए, या तो हो गया ए, या हो गया सी, या हो गया बी, या हो गया डी, अपोजिट पॉइंट्स तो ही तो होते हैं। तो अब सपोज करिए हम ए बी के बीच में निकाल रहे हैं आगे, ओ सॉरी ए सी के बीच में, अब आप देखेंगे पोजीशन ये बनी, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में आपस में एक दूसरे के ये पैरेलल, तो टू ओम टू ओम टू ओम टू ओम, समझ में आ रही थी बात। और इसमें हमें निकालना है, तो अब क्या हो जाएगा भाई, ये एक दूसरे के साथ तो सीरीज में, तो 1/4 प्लस 1/4, ठीक है जी, सो दैट विल बी 4 एलसीएम आ गया, 1 प्लस 1 2 अपॉन 4, और आर पी इक्वल टू फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ गया, 2 ओम आ गया। समझ में आ रही थी बात। अब इसी तरीके से मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए बी के बीच में, आपको बिटवीन ए बी यू हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखिए जी, जो तरीका मैंने आपको बताया है वही तरीका, सॉरी ए सी के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो अब इसका वही तरीका आपको कि सी को, ये जब तक रफ डायग्राम आप बनाकर नहीं देखेंगे तब तक आपको सॉल्यूशन ये
ये फाइनल डायग्राम बनेगा जिसके बेसिस पर आप आंसर निकाल सकते हैं। सारी वैल्यू सपोज कीजिए हमने कह दिया 3 ओम है, तो अब क्या हो गया जी, तीनों पैरेलल में लेकिन एक दूसरे के साथ सीरीज में, तो 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/6, तो दैट विल बी 6 एलसीएम। 1, 2 प्लस 1, 4/6, दैट विल बी, तो अब ये किसी तरीके का भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है, 100% एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, इसको हम ना नहीं कह सकते। तो ये आपका लास्ट पोर्शन था इसका, इसमें आपको यही सारी चीजें इसमें दी हुई हैं, कॉम्बिनेशन के सारे मैंने जितने भी पॉइंट ऑफ व्यू थे वो सब मैंने आपको बता दिए हैं, इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिन क्वेश्चंस को आपको करना है। तो अब आप ट्राई करेंगे, क्वेश्चन इसी तरीके की मैचिंग के मिलेंगे, डिफरेंट सर्किट्स वाले, अब आपको उसके साथ मल्टीपल प्रैक्टिस करके उनको कैलकुलेट करना है। अब इसका नेक्स्ट पोर्शन आता है पावर के ऊपर, इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखिए जी, अभी हमने पढ़ा था V इक्वल टू W अपॉन Q, पढ़ा था हमने कल। अब इसी को ही हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि W इक्वल टू Q इंटू V, ठीक है जी। तो ये क्या कहलाएगी, एनर्जी कहलाएगी, ठीक है जी, इसको हम क्या कहेंगे, एनर्जी कहलाएंगे। अब W इक्वल टू Q की जगह हम रख सकते हैं IT, तो हमारे पास एक और नया फॉर्मूला आ गया VIT। तो हमारे पास फॉर्मूला हो गया W इक्वल टू Q इंटू V, हमारे पास फॉर्मूला हो गया VIT। अब हमने पढ़ा है पावर, पावर इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन T, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, के कितने टाइम में वर्क डन किया गया। तो अब उसी बेसिस पर P इक्वल टू W की जगह रखा हमने VIT अपॉन T, T से T कैंसिल हो गया, हमारे पास नया फॉर्मूला आ गया कि पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इंटू, या पोटेंशियल इंटू करंट, ये एक और नया फॉर्मूला आ गया। इसी तरीके से अब आपने पढ़ा है V इक्वल टू आई आर, तो अब हम इसके अंदर फिर चेंजेस कर देंगे, P इक्वल टू V की जगह रख दिया हमने आई आर इंटू आई, सो दैट बिकम आई स्क्वायर आर, एक फॉर्मूला और आ गया हमारे पास। नेक्स्ट, अब हमारे पास अगर हम रख दें I इक्वल टू V अपॉन R, तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा P इक्वल टू I V इंटू V अपॉन R, तो दैट बिकम V स्क्वायर अपॉन R। तो कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, आप देख रहे हैं सारे फॉर्मूले दूसरे फॉर्मूले के बेसिस पर डेवलप हो रहे हैं, समझ में आ रही है जी बात, तो देयर इज नथिंग टू वरी। अब इसी तरीके से हम वर्क डन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पावर इनटू टाइम, ठीक है जी। तो अब इसके बेसिस पर ही हमारी होती है कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल यूनिट जो बिजली का बिल बनता है, बिजली बिल यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो इसी के बेसिस पर बनता है, जिसको हम नापते हैं किलोवाट आवर में, जो कि 1 यूनिट के बराबर होता है, दैट किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब 1 किलोवाट आवर का मतलब हो गया आपका 1 किलोवाट में 1000 वाट और 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो ये आ गया आपका आवर से हमने इसमें बदल लिए सेकंड में, सो दैट बिकम 36.50 वाट सेकंड, वाट इनटू सेकंड, और वाट इनटू सेकंड को हम क्या कहते हैं, जूल।
तो दैट बिकम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3.6 इंटू 10^6 जूल, तो 1 kWh या यूनिट इक्वल टू इतने जूल में होता है। ठीक है जी, अब इसके ऊपर कमर्शियल यूनिट के ऊपर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे जा सकते हैं कि भाई एक 2 kW का हीटर है, 5 60W के बल्ब हैं, 5 फैन हैं 80W के, ये रोज 8 घंटे चलते हैं डेली, ठीक है जी, और 1 महीने का इसका बिल बता दीजिए क्या होगा। समझ में आ रही है जी बात? तो सिंपल क्या करना है, सबको पहले किलोवाट में बदल लो, सबको किलोवाट में बदलना जरूरी है, और किलोवाट में बदलने के बाद आवर से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद 30 से मल्टीप्लाई कर दो, और बिल बनाने के लिए सपोज करो ₹6 पर यूनिट आपको दिया हुआ है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही जी बात? अब इसके अंदर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है, और वो है फ्यूज रेटिंग का। देखिए जी, फ्यूज रेटिंग, ये वही क्वेश्चन बता रहा हूं बेटा जो इस चैप्टर के गोली अंदर दम बाहर, यानी कि आने ही आने। अब देखिए जी, आई इक्वल टू पी अपॉन वी, आपसे कहा गया कि एक 2 kW की कैटल है और 220 वोल्ट पर उसको चलाया जा रहा है, तो इसके लिए कितनी रेटिंग का फ्यूज हम लेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है P इक्वल टू वी आई, इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे, तो I इक्वल टू पी अपॉन वी, पावर हो गई 2 × 1000 अपॉन 220, 0 से 0 कट गई, 2 से 11, अब 11 × 99, ये लगभग आपका हमें 9.09 एम्पियर का, यानी कि हमें 10 एम्पियर का फ्यूज लेना पड़ेगा इस अप्लायंस के लिए। तो इस तरीके से आपको ये निकालना है। दूसरे तरीके का क्वेश्चन इसके ऊपर आता है ये कि एक बल्ब है आपको, एक बल्ब 100 वाट का है, एक उसको यूज कर रहा है 220 वोल्ट पर और एक उसको यूज कर रहा है 110 वोल्ट पर, तो क्या चेंजेस आएंगे इसके अंदर? समझ में आ रही है जी बात? जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट। अब देखो यहां पर आपने भी पढ़ा P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R, तो R इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन P, ठीक है जी। अब यहां पर आप देखेंगे तो 220 × 220 अपॉन 1000, रेजिस्टेंस है 484 ओम, ठीक है जी। और वहीं हम इसको अगेन R इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी, 110 × 110 अपॉन 220, 100, आप देख रहे हैं अगर वोल्टेज रिड्यूस हो जाएगी तो पावर बहुत कम होगी, यानी कि अगर ये 220 वोल्ट पर काम करने के लिए बना है और इसे आप 110 वोल्ट पर लगा देंगे तो आप देख रहे हैं पावर 4 गुना कम हो गई इसकी, सॉरी रेजिस्टेंस 4 गुना कम हो गया, ठीक है जी। समझ में आ रही है बात? तो इस बेसिस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर है जूल हीटिंग, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। जूल हीटिंग क्या कहता है कि हीटिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गिवन टाइम के, ठीक है।
ठीक है जी, समझ में आ रही है बात, क्लियर? तो इसके बेसिस पर आपके न्यूमेरिकल्स हैं जो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है जो आपका किससे रिलेटेड हुआ, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। तो ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड मैंने सारा कॉन्सेप्ट आपको करा दिया जो आपकी ज़रूरत थी। अब बताइए और क्या चाहते हैं आप? बोलिए। मशीन, ठीक है, मशीन शुरू करते। तो मशीन शुरू करते हैं बच्चों। बोलिए। हाँ जी, तो लेट्स स्टार्ट मशीन। देखिए जी, थ्री इडियट्स आपने देखी थी, तो उसमें भी यही क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज ए मशीन। तो सिंपल भाषा में हम क्या कह सकते हैं इसको, कि मशीन वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो हमारे काम को आसान बना दे, सो दैट्स अ मशीन। अब इसको हम समझते हैं, मशीन के लिए तीन इंपॉर्टेंट, ये कम से कम 10 मार्क्स का चैप्टर है एग्जाम के अंदर, मिनिमम 10 मार्क्स का जो मिलेगा ही मिलेगा। अब मशीन के अंदर तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिनके बेसिस पर ही हम मशीन को समझ सकते हैं। अब वो पार्ट हैं, एक तो फलक्रम, एक लोड और एक एफर्ट। फलक्रम को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, लोड को एल से, और एफर्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से। अब इसको एक मशीन के थ्रू ही समझाता हूं मैं आपको। जैसे जी हमने ले लिया ये कैंची, दिखा दीजिए हमने। अब इस कैंची के अंदर कोई भी कपड़ा काटने के लिए हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर आएगा लोड। लोड वो जिसके ऊपर हम कोई भी मशीन काम कर रही है तो वो कहलाएगा लोड, जिसके चारों तरफ उसका मूवमेंट है। अब इस कैंची के ब्लेड पर इस तरीके से हम हिलाते हैं तो इस पेंच के थ्रू ये ऊपर नीचे मूव करते हैं ब्लेड, तो जहां पर मूवमेंट होता है जिसके अराउंड, उसको हम कहते हैं फलक्रम। और इन उंगलियों में हम, इन छेदों में हम उंगलियां फंसा कर उसको मूव करते हैं, तो यहां लगा रहे हैं हम एफर्ट। तो ये हो गया जी ई। तो इस तरीके से ये एक मशीन तैयार हो गई। तो मशीन का कोई मीनिंग नहीं है अगर उसके साथ ये तीन कंपोनेंट जुड़े हुए नहीं है। तो कोई भी मशीन मिनिमम तीन कंपोनेंट से मिलकर बनी भी होती है, और इन तीन कंपोनेंट से मिलकर जो मशीन तैयार होती है उसको सिंपली हम नाम देते हैं लीवर। ठीक है जी, एक सुना है आपने जॉनी लीवर, और एक होता है ये मशीन का लीवर। तो ये लीवर समझ में आ गया। अब यहां पर लीवर तीन तरीके का हो सकता है। फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर, सेकंड काइंड ऑफ लीवर, और जी भैया थर्ड काइंड ऑफ लीवर। अब इसके लिए एक बेहतरीन जुगाड़ मैं आपको दे रहा हूं, जो बेहतरीन तरीके से आपको अपने दिमाग में रखना है। सिंपल सी बात याद रखनी है, 1 2 3 फ्ली, 1 2 3 फ्ली।
यानी कि फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर में फल्क्रम मिडिल में होगा, सेकंड काइंड ऑफ लीवर में लोड मिडिल में होगा, और थर्ड काइंड ऑफ लीवर में एफर्ट मिडिल में होगा। समझ में आ रही है जी बात? ये एक जुगाड़, अब अगर आपने मेरी बात को समझ लिया, जीवन भर दिमाग से नहीं निकलने का है, अगर बात मेरी मानी। यानी कि अगर आपको इस तरीके से दिया हुआ है, फलक्रम बीच में, एक तरफ लोड एक तरफ एफर्ट, सो दैट इज फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर। वहीं पर आपको दे दिया गया जी, एफर्ट एक कोने में, लोड बीच में, और आपका सॉरी फलक्रम एक कोने में, लोड बीच में, एफर्ट दूसरे कोने में, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे जी उसे हम, क्लास सेकंड लीवर। और गाना अगर फिर बदल गया, एक तरफ एफर्ट एक तरफ लोड और बीच में आ गए एफर्ट अंकल, अच्छा तो फलक्रम एक बीच में एफर्ट, तो ये थर्ड काइंड ऑफ लीवर हो गई। समझ में आ रही है जी बात? अब देखो, बहुत बढ़िया जुगाड़ बताया मैंने आपको, शायद स्कूल में नहीं पढ़ा होगा ये, इसीलिए हमको कहते हैं वीजे और इसीलिए हम बजाते हैं साइंस का डीजे। तो इसलिए आसान बनाना, ये जितना सब्जेक्ट को आसान बनाओगे उतना ही उसका मजा आना शुरू हो जाएगा, और जब मजा आएगा तो मार्क्स आएंगे, आएंगे नहीं तो बस मार्क्स के पीछे ही हमें चलना है ना, नहीं हमें मजे के पीछे चलना है, क्योंकि मजा आएगा तो मार्क्स ऑटोमेटिकली आएंगे। कहता है ना 388 में के नॉलेज के पीछे भागो, सक्सेस के पीछे नहीं, सक्सेस झक मार के आपके पीछे पीछे आएगी अगर आपके पास नॉलेज होगी। तो वही चीज है, घबराना नहीं है, ठीक है जी। अब हम इसके बेसिस पर हमारे पास हम बात करते हैं एक फॉर्मूले की, जो लीवर के ऊपर फॉर्मूला आएगा वो ये आएगा आपका कि एक तो पहला कि हमारे को मशीन्स क्या क्या दे सकती हैं। देखिए जी, हमें मशीन दे सकती हैं कि हम किसी भी, अब जैसे हमने गाड़ी में पंचर हो गया, जैक लगा दिया, अकेले आदमी नहीं उस जैक की मदद से गाड़ी के टायर को उठा दिया। अब जैक ना हो, पांच भी लग जाओगे तो नहीं गाड़ी उठ, तो दैट इज नेम्ड एज फोर्स मल्टीप्लायर। एक व्यक्ति नहीं, उस जैक मशीन की मदद से पूरी गाड़ी उठा दी, तो फोर्स का मल्टीप्लायर हो गया। वरना अगर जैक नहीं है तो कहां उस आदमी के एक के बस की है, मैं कह रहा हूं पांच भी आ जाएंगे तो बस की नहीं। दूसरा आता है जी अब आपका कि आप साइकिल चला रहे हैं, पैडल मार रहे हैं आप, तो पैडल मार रहे हैं आप, पहिया घूम रहा है पीछे का, लेकिन उसका एप्लीकेशन आगे वाले में भी हो रहा है। जैसे अब आप लाइन में खड़े हुए हैं स्कूल की प्रेयर की असेंबली की लाइन में, पीछे से किसी शैतान बच्चे ने धक्का मार दिया तो सारे आगे जाएंगे, अब गलती एक की भुगतेंगे सब। तो उसी तरीके से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है पैडल के थ्रू पिछले पहियों को घुमाने के लिए, लेकिन जब पिछला घूमेगा भैया दोनों पहिए एक ही साइकिल में जुड़े हुए हैं, मजबूरी है उस आगे वाले पहिए की, उसे भी दौड़ना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? तो ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वाला हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है जी आपका तीसरा, डायरेक्शन। अब आपने गांव में देखा होगा कुआं, और कुएं पे पुली लगी हुई होती है, और वो उस पुली से बाल्टी को, भरी हुई बाल्टी को निकाला जाता है। अब इमेजिन कीजिए एक स्थिति कि पुली लगी हुई नहीं है, तो आप बाल्टी को कैसे निकालेंगे? इस तरीके से रस्सी ऊपर खींचेंगे दोनों हाथ से,
एक बाल्टी खींचने के बाद ही दोनों बाजू बोल जाएंगे कोने में पड़े होंगे आप थक गया। और वहीं अब आप ऐसे निकाल रहे हैं, आपकी बाजुओं के ऊपर, आपके हैंड के ऊपर उसका इफेक्ट कम पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? तो दैट मेक्स योर वर्क कन्वीनियंट बाय चेंजिंग द डायरेक्शन। तो पुली इस तरीके की मशीन हो गई जो डायरेक्शन को चेंज करके हमारे काम को आसान बना रही। ठीक है जी, अब यहां पर आती है जी दूसरी बात। आपने देखा होगा दर्जी के पास कैंची जो होती है उसके ब्लेड बड़े 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 होते हैं। अब वो एक बार के अंदर लंबाई में कपड़े को काटता है, तो इसे कहते हैं गेन इन स्पीड। एक बार की स्पीड में लंबा डिस्प्लेसमेंट कवर किया जा रहा है। समझ में आ रही है बात? तो चारों तरीके का एप्लीकेशन समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए जी, अब लोड एफर्ट आपको मैं बता ही चुका हूं। अब इसके बेसिस पर हमारा मैकेनिकल एडवांटेज रेशो होता है लोड और एफर्ट का। अगर हम किसी भी मशीन के लोड की वैल्यू को एफर्ट की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे सो दैट इज मैकेनिकल एडवांटेज। और मैकेनिकल एडवांटेज की कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि ये सेम यूनिट वाली क्वांटिटी है। मान लीजिए आपने इसको न्यूटन में लिया, इसे भी न्यूटन में लिया, तो न्यूटन इंटू न्यूटन कैंसिल हो गया ना, न्यूटन से न्यूटन। ठीक है जी, दूसरा आता है इसके अंदर अब हमारा वेलोसिटी रेशो। तो वेलोसिटी रेशो होता है कि आपने एफर्ट से कितना डिस्प्लेसमेंट किया डिवाइडेड बाय लोड से कितना डिस्प्लेसमेंट किया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बाय एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट बाय लोड। अब या तो ये दोनों ही सेंटीमीटर में होंगे या दोनों ही मीटर में होंगे, तो अगेन इसकी भी कोई यूनिट नहीं होगी। समझ में आ रही है जी बात? क्लियर। अब यहां पर देखो एक मैजिकल मौसम अब हम आपको दिखाते हैं जो फिर आपके बड़ा काम का है और जिसका अता पता आपको अब तक नहीं होगा लेकिन अब हमेशा पता ही पता रहेगा इसका। इसका ऐसा जुगाड़ आपको बताते हैं। देखिए जी, मैकेनिकल एडवांटेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड एंड मैकेनिकल एडवांटेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफर्ट। भाई लोड जितना ज्यादा मैकेनिकल एडवांटेज उतना ज्यादा, एफर्ट जितना ज्यादा मैकेनिकल एडवांटेज उतना ही कम। ऐसे ही वेलोसिटी रेशो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और वेलोसिटी रेशो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है जी, ये ध्यान में रहेगा। अब इसी के बेसिस पर यानी कि अगर एफर्ट से हम रिलेशन करें तो मैकेनिकल एडवांटेज के हमारे पास तीन रास्ते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन वन, मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन वन, और मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वन। अब ये कब हमारा पॉसिबल हो सकता है बताइए? मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन कब हो सकता है? जब एफर्ट की वैल्यू कम हो, डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू कम होगी तभी तो डिवाइड हमारा ज्यादा होगा, वन से ज्यादा आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि एफर्ट इज लेस देन लोड। एफर्ट लोड से कम होगा जबी तो वन से ज्यादा होगा मैकेनिकल एडवांटेज। अब लेस देन वन है तो एफर्ट इज ग्रेटर देन लोड, ठीक है जी, और इक्वल टू वन है, पता था ये पहले बात, जुगाड़ से याद करा होगा दिमाग में, रट्टा मारा होगा। अब जरूरत है दवाई ऐसी दे दी है कि बीमारी होने की ना। अब दूसरा देखो मजा, अब यहां पर आपका सेम वही सेम वेलोसिटी रेशो इज सॉरी ग्रेटर देन वन, वेलोसिटी रेशो इज लेस देन वन, और वेलोसिटी रेशो इज इक्वल टू वन। हाँ जी बताओ, अब सेम
अब यहां पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड के बेसिस पर चेक किया जाएगा। तो भाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इज लेस देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, तब ये पॉसिबल है ना। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, और जहां बराबर होंगे, ठीक है जी। अब वेलोसिटी रेशियो, सॉरी मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन हमेशा होगा। अब ये मैं उठा के आगे ले जाऊं, ये ध्यान में रहेगा। चलो इसको यहीं पर जुगाड़ करते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन वन, वेलोसिटी रेशियो इज ग्रेटर देन वन, ये कंडीशन केवल एक ही तरीके से पॉसिबल है, जब क्या होगा, फोर्स मल्टीप्लायर। कि हम एफर्ट तो लगा रहे हैं कम, लेकिन हम ज्यादा लोड को उठा रहे हैं, या हम लोड का डिस्प्लेसमेंट तो कर रहे हैं कम, लेकिन एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ज्यादा। तो ये दोनों कंडीशन किसको मैच करेंगी, फोर्स मल्टीप्लायर को मैच करेंगी। इसी तरीके से मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन वन, वेलोसिटी रेशियो इज लेस देन वन, दैट विल बी गेन इन स्पीड। समझ में आ रही, एमसीक्यू के लिए लाजवाब माल पानी है, कोई नहीं रोक सकता, आ नहीं आना है। समझ में आ रही है जी बात। इसी तरीके से मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वन, वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू वन, दैट इज चेंज इन डायरेक्शन। है बेहतरीन मात्र। अब बताओ दिमाग से निकलेगी है, कतई नहीं निकले, क्योंकि हम नब्ज पकड़ रहे हैं, हम मुद्दे की बात से चल रहे हैं, हम रट्टा नहीं मार रहे। समझ में आ रही है बात, नॉलेज को पकड़ रहे हैं। नॉलेज को पकड़ेंगे नंबर स्कोर होंगे, नंबर स्कोर होंगे सक्सेस पीछे भागे। आप जिस भी स्कूल में जाएंगे कि सर ये मेरे मार्क्स 95%, स्कूल पूछेगा बेटा कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, बताइए बेटा आपकी क्या चॉइस है। बड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे प्रिंसिपल आपसे, हर चीज आपके अकॉर्डिंग होगी। और वहीं आपके 65% रह गए, बेटा आप अपना फॉर्म जमा कर जाइए, वी विल सी, देखते हैं। बात होने का चेंज बदल गया ना, तो इसलिए अब ये नंबर जो भी ला रहे हैं, ये आपके 11th के लिए आपका पोर्टफोलियो तैयार करेंगे कि आप अपना मनचाहा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं या जबरदस्ती दिया हुआ सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं। समझ में आ गई जी बात, क्लियर। नेक्स्ट देखिए जी। अब तो इसके अलावा अब एक बात और आती है कि एफिशिएंसी ईटा इक्वल टू वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट, ठीक है जी। वर्क आउटपुट होता है हमेशा जो लोड के थ्रू होता है, ये लोड के थ्रू होता है, ठीक है। और वर्क इनपुट वो होता है कि एफर्ट के थ्रू कितनी एनर्जी वर्क डन किया जा रहा है और लोड के थ्रू कितना वर्क डन किया जा रहा है। अगर हम लोड के थ्रू वर्क डन जो किया जा रहा है उसको एफर्ट के थ्रू वर्क डन से के डिवाइड कर दें, तो क्या आती है उस मशीन की, एफिशिएंसी आती है। क्या आती है उस मशीन की, एफिशिएंसी आती है। अब आइडियल मशीन के लिए व्हाट इज द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ये है कि आउटपुट एनर्जी इक्वल टू ठीक है जी। समझ में आ रहा है बात।
तो ये है आपका, ठीक है जी। अब यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है, एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशो में ये रिश्ता क्या कहलाता है, यानी कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है। देखिए जी, अभी हमने पढ़ा ईटा इक्वल टू वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट, ठीक है जी। अब वर्क आउटपुट क्या होता है, लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय लोड, और वर्क इनपुट होगा एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय एफर्ट, ठीक है। अब ये आ गया जी आपका, इसको हमने इस तरीके से कर दिया कि लोड इन अपॉन एफर्ट, इसको हमने पलटा मार दिया, यानी कि डी ई तो ले गए ऊपर और डी एल ले गए नीचे। तो अब ये अंकल जी तो हो गए हमारे मैकेनिकल एडवांटेज, और ये पूरा का पूरा हो गया वन अपॉन वेलोसिटी रेशो। तो क्या आ गया हमारे पास, ईटा इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशो। अब ये समझ लीजिए कि भैया एफिशिएंसी जो है ग्रेटर देन वन, केवल सॉरी इक्वल टू वन, ग्रेटर देन वन तो पॉसिबल ही नहीं है, इक्वल टू वन थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमेशा मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशो से कम होता है, ठीक है जी। अब वेलोसिटी रेशो जब ज्यादा रहेगा तो भैया ईटा लेस देन वन ही रहेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एफिशिएंसी। तो आइडियल कंडीशन में आपका फ्रिक्शन मशीन पार्ट्स के बीच में, इलास्टिक नेचर, वेट, ये सभी मशीन के कलपुर्जे जो होते हैं, जो उसके पार्ट्स होते हैं, उनका वेट होना, उनके बीच में फ्रिक्शन होना, ये सारी जरूर कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस करते हैं, कुछ ना कुछ मशीन की एनर्जी डिसिपेट होती है, और इसलिए कभी भी आइडियल कंडीशन में तो ये पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकल कंडीशन में कभी भी ईटा इक्वल टू वन नहीं हो सकता, प्रैक्टिकल कंडीशन में दैट मस्ट बी लेस देन वन। समझ में आ रही है बात, तो ये एक कड़वा सच है लेकिन सच है। समझ में आ रही है जी बात, क्लियर। अब अभी हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, आपने ये पढ़ा होगा कि लोड इनटू लोड आर्म इक्वल टू एफर्ट इनटू, अब ये क्या बला आ गई जी, कोई घबराने की बात नहीं है। देखिए अभी बताते हैं हम आपको, ये सपोज करिए लोड, ये सपोज कीजिए एफर्ट, ये आपका फलक्रम। तो भैया फलक्रम से लोड तक की डिस्टेंस लोड आर्म कहलाती है, एफर्ट से फलक्रम तक की डिस्टेंस एफर्ट आर्म कहलाती है, ठीक है जी। तो अब ये आया कहाँ से है, ये आपने पढ़ा है भैया, क्या पढ़ा है आपने, क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्सेस, वहीं से ये फॉर्मूला आया है भाई, इसको कह दिया हमने क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्सेस इक्वल टू, अब इनको ले लो एल अपॉन ई, इसको उधर ले आए हम, तो ये क्या हो जाएगा, और एल अपॉन ई क्या है, तो हमारे पास एक और नया माल आ गया जी, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, एक और नया करारा माल आ गया जी। अब भाई साहब देखो, फिर एक और नया पिक्चर आपको दिखाते हैं जो आपने देखी तो होगी लेकिन बड़ी दिमाग में
धुंधली होगी। अब देखिए जी, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। इसके बेसिस पर फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर, सेकंड काइंड ऑफ लीवर और थर्ड काइंड ऑफ लीवर की दुनिया में आओ मचाते हैं धूम। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर में फलक्रम बीच में, सेकंड काइंड ऑफ लीवर में लोड बीच में और थर्ड काइंड ऑफ लीवर में एफर्ट बीच। ठीक है जी, अब ये यहां पर हमारा हो गया एफर्ट आर्म, ये हो गई जी लोड आर्म, इसी तरीके से ये लोड आर्म और ये एफर्ट आर्म। एफर्ट आर्म पूरी हो गई है, एफर्ट आर्म। ठीक है जी, इसी तरीके से ये आपका एफर्ट आर्म और ये भैया हो गई पूरी की पूरी आपकी लोड आर्म। ठीक है जी, अब यहाँ पर ऑलमोस्ट आपकी तीनों कंडीशन हो सकती हैं, क्योंकि ये बिल्कुल बीचों बीच तो होवे नहीं एफर्ट। तो यहाँ पर लोड आर्म एफर्ट आर्म से बड़ा भी हो सकता है, लोड आर्म एफर्ट आर्म से छोटा भी हो सकता है और लोड आर्म एफर्ट आर्म के बराबर भी हो सकता है फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर में, क्योंकि हमने मिडिल में कहा है। एग्जैक्टली मिडिल में थोड़ी होता है भाई, नाप के थोड़ी बिल्कुल बीचों बीच ही होगा, हो सकता है नहीं भी हो सकता, ज़्यादा भी हो सकता है। तो अब जब लोड आर्म आपका एफर्ट आर्म से बड़ा होगा तो दैट मीन्स मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन वन, यहां पर मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन वन और यहां पर मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वन। अब आ जाइए भैया इधर, अब यहां पर एक ही कंडीशन है, एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन लोड आर्म, यहां तो कंडीशन ही एक है। तो सेकंड काइंड ऑफ लीवर में हमेशा अब आ जाइए जी इधर, यहां पर लोड आर्म इज ग्रेटर देन एफर्ट आर्म, तो अभी हमने पढ़ा था ये तीनों की तरह वर्क कर सकता है, ग्रेटर देन वन होता है तो फोर्स मल्टीप्लायर, लेस देन वन होता है तो गेन इन स्पीड और इक्वल टू वन होता है तो चेंज इन। तो ये तीनों की तरह वर्क कर सकता है हमारा लीवर वन, ये किसके लिए वर्क करेगा, फोर्स पॉइंट एफ एम रेडियो फोर्स मल्टीप्लाई, और ये किसकी तरह वर्क करेगा हमेशा, गेन इन। अब सच्ची सच्ची बताना, ये सब बातें पता थी पहले, खिड़की दरवाजे खोल दिए होंगे मैंने तुम्हारे, भाई यही चीज दिमाग में रखनी है। अब अगर आपके खिड़की दरवाजे खुल गए हैं तो कोई दुनिया की ताकत तीन नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में करने से नहीं रोक सकता, आता ही आता है। क्योंकि जैसे फिल्म इंडस्ट्री में जरूरी है जॉनी लीवर, उसी तरीके से ICSE के फिजिक्स के पेपर में एक क्वेश्चन जरूरी है फ्रॉम लीवर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है, समझ में आ रही है जी बात, क्लियर। तो ये लीवर के ऊपर आपके सब तरीके के क्वेश्चन इससे पूरे तरीके से सॉल्व हो सकते हैं, सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं, दुनिया भर के इसमें आपको एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं। दीज विल हेल्प यू अलॉट टू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ दिस चैप्टर और टू अंडरस्टैंड द
क्वालिटी ऑफ दिस पोर्शन। समझ में आ रही है जी बात? तो बाकी कल करें? चलिए ठीक है, तो बाकी करते हैं कल। और कल भैया कोशिश करेंगे हम कि ये लाइव क्लास हम लें सुबह लें। चलो टाइम मैं आपको मेंशन कर दूंगा, लेकिन कल लाइव क्लास जरूर होगी क्योंकि परसों तो पेपर है ही, तो कल भी। और जो आपके जहां भी फंसे हुए हो वही चीज पूछो, वहीं से निकाल देंगे, ऐसा तैराएंगे कि जीवन भर डूबने की कोई दिक्कत टेंशन परेशानी नहीं। तो बच्चों इसी तरीके से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को वीजे के साथ आसान बनाते रहिए और साइंस का डीजे बजाते रहिए। इसी तरीके से हल्का होकर पढ़िए, मस्त होकर पढ़िए। मैंने पहले भी शुरुआत में ही बताया था कि आज साइंस का पेपर जो बताया वो आया, अब इसी तरीके से मुझ पर विश्वास करिए, जो फिजिक्स में बता रहा हूँ वो आएगा, फिर केमिस्ट्री में जो बताऊँगा वो आएगा, फिर बायो में जो बताऊँगा वो भी आएगा। तो मन से करिए, आसान बनाइए और बड़े मन से हर चीज़ को तैयार कीजिए। मिलते हैं कल की लाइव क्लास में और फिर साइंस का बढ़िया तरीके से डीजे बजाते हैं।